hello friends welcome to agriverse education in this video we will discuss the important agricultural current affairs of 7 october 2020 and if you want to join our telegram channel go through the link given in description box so starting today's current affairs first we will discuss the main headlines of today's current affairs in this the first headline is arunachal links mou with three firms to set up palm oil extraction factories सेकेंड हेडलाइन इज तेलंगाना फार्मर्स डिमांड 15,000 पर क्विंटल एम एस पी फॉर टर्बरिक नेक्स्ट हेडलाइन इज गुजरात टू सेट कंट्रीज फर्स्ट टू ऑर्गेनिक स्पाइस सीड पार्क एंड लास्ट हेडलाइन इज छत्तीसगढ़ एग्रीवर्सिटी डेवलप सॉइल टेस्टिंग किट फॉर फार्मर्स तो अभी यहाँ हमने जितने भी हेडलाइंस को डिस्कस किया सबके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आने वाले स्लाइड्स पर और सारे हेडलाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा सो स्टार्टिंग टूडेज करंट अफेयर्स इसमें पहला करंट अफेयर्स है अरुणाचल प्रदेश लिंक्स एम ओ यू विथ थ्री फॉर्म्स टू सेट अप पाम ऑयल एक्सटेक्शन फैक्ट्रीज़ तो अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में एक एम ओ यू साइन किया है तीन कंपनी के साथ जो है शिवसाई साई थ्री एफ और रुचि सोया जो कि ऑयल एक्सट्रैक्शन करेगी ये फार्मर से ऑयल पाम फ्रूट्स को बाई करेगी और उसके बाद उसका ऑयल एक्सट्रैक्शन करेगी और इस ऑयल पाम कल्टिवेशन या हम कह ऑयल एक्सट्रैक्शन फैक्ट्रीज़ के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो ये स्टेप किया गया है ये अंडर किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में जान लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2007 इसको याद रखना है कि ये कब लॉन्च किया गया था 2007 में इसको लॉन्च किया गया था इसके अंदर जो मेन नेम था वो था प्रोडक्टिविटी ऑफ सीरियल पल्सेस एंड मेनली जो हमारा मेन फोकस इसके अंदर था वो था ऑयल के कल्टीवेशन को या ऑयल की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना तो उसी के अंडर ये स्टेप लिया गया है अब यहाँ ऑयल की बात हो रही है या ऑयल पाम की बात हो रही है तो हम देख लेते हैं कि इंडिया में मेनली जो मेन हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं ऑयल के ऑयल सीड रिसर्च के वो हम देख लेते हैं पहला इंस्टीट्यूट है आई आई यू आर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च जो सिचुएटेड है हैदराबाद तेलंगाना में दूसरा इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च पेड़ावेगी जो कि है वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में अगर एग्जाम में आता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च खाली ऑयल सीड है तो वो होगा हैदराबाद तेलंगाना में और अगर पूछ लिया जाएगा ऑयल पाम रिसर्च तो वो होगा आंध्र प्रदेश में तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा अगले न्यूज़ पे आते हैं कि तेलंगाना फार्मर्स डिमांड 15,000 पर क्विंटल एमएसपी फॉर टर्मरिक टर्मरिक फार्मर हैं उन्होंने अंडर द बैनर ऑफ रितुवेदिका वहाँ एक स्कीम चलाई जाती है रितु वेदिका इसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट से एक डिमांड रखी है कि टर्मरिक के लिए भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए और वो प्राइस रखा गया है इनके द्वारा फिफ्टीन थाउजेंड पर क्विंटल और इसके साथ साथ इन्होंने एक और डिमांड की है कि एक तेलंगाना में टर्मरिक बोर्ड का भी एस्टेब्लिशमेंट हो जाए तेलंगाना की बात करें तो ये इंडिया में नंबर वन प्रोडक्शन में आता है टर्मरिक के इसलिए वहाँ के फार्मर्स ने डिमांड किया है कि उनको फिफ्टीन थाउजेंड पर क्विंटल एम एस पी प्रोवाइड करी जाए और उसके साथ साथ उस स्टेट में टर्मरिक बोर्ड भी एस्टेब्लिश किया जाए अब जो ये ऋतु वेदिका है इसके बारे में बात करते हैं अभी तक तेलंगाना में लगभग 2602 क्लस्टर्स बना चुके हैं के के द्वारा के यानी कि के चंद्रशेखर राव जो कि सी एम है तेलंगाना स्टेट के तो जो ये वेदिका है रितु वेदिका ये इक्विप्ड रहेगी एडवांस टेक्नोलॉजी से जिसमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की टू तो द फार्मर्स इससे क्या होगा जो टेक्नोलॉजी का डेस्मिनेसन है या इन्फॉर्मेशन का डेस्टिनेसन है रिगार्डिंग द क्रॉप और मार्केटिंग uh, की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है या उसकी इन्फॉमेसन प्रोवाइड करनी है फार्मर्स को तो उसके लिए ये रितुवेदी का स्कीम चलाई जाती है अब यहाँ फार्मर्स ने ये डिमांड क्यों कर रखी है इसके पीछे का रीज़न क्या है अभी तक जो फार्मर्स थे उनको सिक्स थाउजेंड पर क्विंटल के हिसाब से इनको पे किया जाता था इनकी क्रॉप के लिए अगर हम इनका इन्वेस्टमेंट uh, देखें कल्टीवेशन कॉस्ट देखें प्री एकड़ इन्वेस्टमेंट तो वो था लगभग 1.5 पॉइंट अगर हम सपोज करें कि फार्मर्स के पास मैक्सिमम अगर उसने 30 क्विंटल्स यील्ड ऑप्टेन करी तो उसको हार्डली मिलेगा 1.8 पॉइंट लाख जबकि उसने इन्वेस्ट किया था 1.5 पॉइंट लाख और जबकि उतनी मेहनत करने के बाद उसको मिल रहा है सिर्फ वन एट लाख तो इसके लिए फार्मर ने ये डिमांड रखा है कि उनके जो एमएसपी है उनको इंक्रीज किया जाए अगले न्यूज पे आते हैं कि गुजरात टू गेट्स कंट्रीज फर्स्ट टू ऑर्गेनिक स्पाइस सीड पार्क तो जो गुजरात स्टेट है ये कंट्री का पहला ऑर्गेनिक स्पाइस सीड पार्ट बनाने जा रहा है जो कि दो जगह है जो कि पाटन और बनासखांडा जो कि गुजरात में सिचुएटेड है यहाँ बनाने जा रहा है इसका जो मेन एम है टू तो इंकरेज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एडोपन ऑफ बेस्ट प्राइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूमिन एंड फैनल सीड जो कि यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं इसके अंदर मेनली क्यूमिन यानी कि जीरा फैनल यानी कि हमारा सौफ इस पर ज़्यादा एम्फिस दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर या हम बोलने रहे कि ऑर्गेनिक स्पाइस सीड पार्क के अंदर इसके चलते जो सी एम है गुजरात के इन्होंने मंडे को एक आ, दो लेटर सेंक्शन किए दो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इन ऑर्गेनिक स्पाइस सीड पार्क को फंड किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा चलो अब बात कर लेते हैं इन ऑर्गेनिक स्पाइस सीड पार्क के बारे में इसमें जो क्यूमिन सीड का पार्क होगा वो पार्टनर में एस्टेब्लिश किया जाएगा और जो हमारा सौफ यानी कि फैनल सीड है उसका ऑर्गेनिक सीड पा इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा बनास कांडा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है और अभी तक नाबार्ड ने ट्वेंटी थ्री लाख का असिस्टेंस ग्रैंड कर दिया है इसके अंदर और अगर हम दोनों पार्क की बात करें तो एक पार्क में लगभग लगभग 50 फार्मर ईच पार्क में होंगे और ये फार्मर्स प्रोड्यूस करेंगे ये ऑर्गेनिक स्पाइस जो कि बाद में भेजे जाएंगे इंस्टीट्यूट जो पर्टिकुलर वहाँ के इंस्टीट्यूट्स होंगे वहाँ भेजे जाएंगे फॉर टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी उसके बाद इसको फर्दर मार्केटिंग के लिए भेजा जाएगा तो नाबार्ड ने यहाँ पर गुजरात के सी को एक अलग से सजेशन दिया है कि इस प्लान को या इस मॉडल को रेप्लीकेट करें अदर डिस्ट्रिक्ट से अभी तो ये दो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो जैसे कि गुजरात जो है वो भी एक वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है क्यूमिन सीड और फैनल सीड का तो नाबार्ड ने कहा है कि इस मॉडल को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए और अभी तक मैं बता दूं तो कंट्री में टोटल आठ हज़ार एफ पी ओज हैं यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और एवरेज हम देखें तो एक एफ पी ओ में लगभग लगभग 300 से 400 फार्मर्स आते हैं और इसी के अंदर वैल्यू एडिशन को पुश करने के लिए नाबार्ड ने एक नया कॉन्सेप्ट भी निकाला है वैल्यू चेन फाइनेंस का अब आते हैं अगली न्यूज़ पर कि छत्तीसगढ़ एग्रीवर्सिटी डेवलप सॉइल टेस्टिंग किट्स फॉर फार्मर्स जो छत्तीसगढ़ में एक इंस्टीट्यूट है या बोले विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में सिचुएटेड है इन्होंने एक सॉइल टेस्टिंग किट को बना रखा है तो यहाँ पर को बात यह आती है कि सॉइल टेस्टिंग किट बनाने की जरूरत क्या है जो ये सॉइल टेस्टिंग किट है ये फार्मर्स को प्रोवाइड करे जाएंगे जिसमें फार्मर्स खुद कैपेबल होंगे टेस्टिंग के लिए फॉर वेरियस न्यूट्रिएंट्स और अगर उनको एसिडिक एसिडिसिटी एल्किनिटी और विटामिन्स या अदर कोई पैरामीटर या हम बोले हैं न्यूट्रिय की डिफिशंसी को पता करना है तो वो इस किट के जरिए पता कर सकता है इससे पहले क्या था सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम चलाई जाती थी सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम के अंदर फार्मर्स को जाना पड़ता था टेस्टिंग के लिए इन द लेबोरेटरी सबसे पहले उसको सॉयल का सैंपल देना पड़ता था जिससे लगभग चार या पाँच दिन लगते थे रिपोर्ट आने में तो अब यहाँ पर वो सारी चीज़ें एक्सक्लूड हो जाएंगी और जो इस किट की प्राइस बताई जा रही है वो लगभग लगभग चार हजार से चार हजार पाँच सौ रुपये तक इसका प्राइस बताया जा रहा है इसमें बहुत सारे केमिकल ऑप्शंस होंगे जैसे पाउडर्स होंगे टेस्टिंग टूल्स होंगे और अदर इक्विपमेंट्स इसमें होंगे अभी हमने बात करी थी सॉइल हेल्थ कार्ड की तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जो सॉइल हेल्थ कार्ड है इसको लॉन्च किया गया था एव दिसंबर टू थाउजेंड एंड फिफ्टी को अब आप लोग बताइए कि पाँच दिसंबर को और कौन सा डे बनाया जाता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जस्ट कमेंट डाउन बिलो अगर आपको आता है तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि पाँच सितंबर को एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा डे बनाया जाता है पाँच दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च करी थी अब सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बता दूँ सॉइल हेल्थ कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रेंट स्टेटस दिखाए जाते हैं जो कि बार न्यूट्रेंट्स हमारे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम सल्फर जिंक बोरोन आयरन मैग्नीज कॉपर ये सारे न्यूट्रेंट्स का एक कॉलम बनाया रहता है जो टेस्टिंग के बाद उसमें दर्शाया जाता है और अलग ऑप्शन जैसे हमारे पी हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी ऑर्गेनिक कार्बन ये सारी चीज़ें भी उस yeah. सॉइयल हेल्थ कार्ड में इंक्लूड रहेंगे यहाँ पर इसकी थोड़ी लिमिटेशंस भी हैं सॉइल हेल्थ कार्ड की इसमें खाली केमिकल एनालिसिस का ही डाटा दिया जाएगा अब जैसे हमें फिजिकल फिजिकल एनालिसिस या फिजिकल कंपोजिशन के लिए जाना है जैसे डेंसिटी yeah. हो गया हमारे तो ये कुछ कुछ चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं है तो ये थोड़ी इसकी लिमिटेशंस हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर